ग्वालियर में एक मंचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें एक महिला और उसका पति मंचले से मारपीट कर रहा है। महिला पर मंचले ने कुछ कमेंट कर दिया था, जिसके बाद महिला ने उसका मुंह नोचते हुए चाटा जड़ दिया। महिला के पति ने उसकी बेल्ट से पिटाई लगा दी। इतना ही नहीं, मंचले ने भी पिटाई का विरोध करते हुए हाथ पैर चलाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय तक वहां काफी लोग पहुंच चुके थे, जिसके बाद मंचला वहां से भाग गया। ये वीडियो सिकंदर कंपू का बताया जाता है, पर इस झगड़े की शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है। वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से चर्चित हो रहा है। सोशल मीडिया पर आया ये वीडियो करीब 1 मिनट 6 सेकंड का है और इस वीडियो में पूरा ड्रामा है। पहले महिला पर एक मंचला कुछ कमेंट करता है, उसे पता नहीं था कि पीछे उसका पति आ रहा है। इसके बाद महिला ने मंचले की कॉलर पकड़ी। महिला के पीछे आ रहे युवक, जो उसका पति बताया जा रहा है, उसने बेल्ट और पास में ही पड़ी एक प्लास्टिक की पाइप उठाकर मंचले की पिटाई कर दी। महिला ने उसकी कॉलर पकड़ी तो पति ने बेल्ट मारा। इसके बाद मंचले ने हावी होने का प्रयास किया तो महिला ने उसका मुंह पकड़कर नोच लिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। महिला सिकंदर कंपू की रहने वाली बताई जाती है और वीडियो भी वहीं का बताया जा रहा है, पर ये मंचला कौन है और ये महिला कौन थी इसका पता नहीं चल सका है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं देखने में मिली है कि जिसमें सड़क पर किसी महिला छात्रा को किसी लड़के ने कुछ कमेंट किया तो उसने सहन करने के बदले करारा जवाब दिया है। शहर में आए दिन सड़क पर इस तरह की छींटाकशी बढ़ती जा रही है, पर महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं। ग्वालियर में हर दिन 1 से 2 मामले छेड़छाड़ के पुलिस थाने तक पहुंचते हैं। ये तो वही मामले होते हैं जिनमें फरियादी पक्ष सीधे थाने पहुंच जाता है, लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं जो बदनामी के डर से थाने तक नहीं पहुंच पाते। ग्वालियर SSP अमित सांगी ने अपने पूरे अफसरों को महिला अपराधों में से गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश तक दिए हैं। इसके बावजूद इस तरह के वीडियो लगातार सामने आते रहते हैं।